प्राचीन मंदिर से स्ट्रेट रास्ता है यहाँ पर सोन मुड़ा जाने का, और ऐसे मतलब सर्कल होता है सोन मुड़ा और शहर माई की बगिया। यहाँ से आधा किलोमीटर प्राचीन मंदिर से आधा किलोमीटर और है, और रास्ते देखो जंगल ही जंगल है। यह सोन मुड़ा, यहाँ पर सोन नदी का उद्गम हुआ है, और ये यहाँ पर ऐसे जाने का, ये सीधे हम लोग वहाँ से आए प्राचीन मंदिर से स्ट्रेट रास्ता था, ये नीचे रहा, यहाँ पे सोन नदी का उद्गम है, झरना उधर से कहीं से है। रास्ता है देखो, फिट रहो, फिट रहने से कहीं पर भी पैदल कितना भी चल सकते हो। सोन नदी का उद्गम देखेंगे। शोणाश यनु संधान एवं सोन औषधि संसान श्री शोणाक्षी शक्तिपीठ मंदिर शोमा शिविर महादेव मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर सोन उद्गम कुंड मंदिर सिद्ध धुनी सिद्ध समाधि चित्रगुप्त श्री भद्र पुरुष उद्गम। ओके, इतना सारा है यहाँ पर सब लाइन से। और हनुमान जी, हनुमान जी, ये मेरे भैया हैं, इन्हें मैं भाई मानती हूँ। ये है सोन नदी का उद्गम, यही है। हाँ, यही है माता जी का, यही है दर्शन के लिए प्रेम से, यही है। ये कुंड, हाँ, जल ये पैसा, ये सोन नदी का उद्गम। ये सोन नदी का उद्गम था। मेरा ध्यान देना आप। अरे देखो, इधर भी दर्शन करो, यहाँ भी दर्शन करो, उधर से ऐसे दर्शन करके, इधर से ऐसे धोनी, और ये सब वहाँ तक चले जाएगा। तो यहाँ से नदी स्टार्ट हो रही है। नदी के उद्गम के पास में ये औषधि भंडार भी है, यहाँ पर औषधियाँ मिलती है, ये फेमस है, मेडिसिनल प्लांट्स है यहाँ पर, तो फेमस है, मैंने पढ़ा भी था ऑनलाइन, हम लोगों ने भी लिया है मम्मी के लिए, घुटने के दर्द के लिए,
आई थिंक 150-200 रुपए में आते हैं, तेल और उसके साथ कुछ मिलाना पड़ता है। यहीं के बने औषधियों से बने हैं, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। और लिखा भी है यहाँ पर औषधि भंडार ही है, तो हर टाइप के रोग के हिसाब से। ये सोनमुरा का व्यू पॉइंट है, यहाँ से नीचे का व्यू दिखता है। झरना भी यहीं से बन। सोनमुड़ा से 1 किलोमीटर और जंगल वाला रास्ता है, पूरा खाली सुनसान। उधर से आता है माई की बगिया, मतलब ऐसे मैंने बताया था जो सर्कल है, तो ये है माई की बगिया। नर्मदा मंदिर, नर्मदा उद्गम। यह एकदम अंधेरा सुनसान है, तो आपको गाड़ी तो लगेगी यहाँ पर। नर्मदा जी का बाल स्वरूप ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर आके पता चला है कि ये है उद्गम स्थल, फिर वहाँ जाती हैं नर्मदा जी, माँ की बगिया, माई की बगिया। मतलब यहाँ पर नर्मदा जी का उद्गम हुआ है, वहाँ पर भी लिखा था, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर बाल स्वरूप है, तो माई की बगिया इसलिए फेमस है। यहाँ तो फिर आना बनता ही था। छोटा सा कुंड बनाया है, वहाँ से पानी है।